हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश कटिक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMCIQ में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डी बोगली की समीकरण, या बुक्स में इसके अंदर डी बोगली संबंध भी लिखा होता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे डी बोगली की समीकरण के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रकाश होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है। जो प्रकाश होता है लाइट है, इसकी द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति मतलब ड्यूअल नेचर, यानी कि ये जो प्रकाश होता है ना, ये कण की भांति व्यवहार करता है और तरंग की भांति व्यवहार करता है। कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। कौन? प्रकाश है। इनका मतलब अगर आपको, ये इनके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे इनको सिद्ध करने के लिए, जिनमें आप पढ़ते हो हाइगन का तरंग सिद्धांत है और न्यूटन का कणिका सिद्धांत है, जिससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश होता है वो कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो ये तो था आपके प्रकाश के बारे में कि प्रकाश कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। तो इसी से प्रेरित होकर या इसी को एक आइडिया मानकर जो डी बोगली है, वैज्ञानिक डी बोगली, उन्होंने बताया था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, ये जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये भी क्या होते हैं, इनके भी द्वैत प्रकृति होती है। और जो छोटे सूक्ष्म कण होते हैं उनकी भी द्वैत प्रकृति होती है, उनके अंदर भी ड्यूअल नेचर होता है कि ये कण भी होते हैं और तरंग भी होते हैं, दोनों कण उनके अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या होती है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है कि ये इलेक्ट्रॉन मतलब कण भी होते हैं और तरंग भी होते हैं। मतलब क्या होता है कि जो कण होते हैं ना वो तरंग के रूप में गति करते हैं। तरंग के रूप, तरंग कैसे गति करती है, इस तरह से तरंग गति करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जो भी सूक्ष्म कण है वो तरंग के रूप में गति करते हैं। कण तो ये ऑलरेडी यही है और तरंग के रूप में ये गति करते हैं। तो यही बताया था डी बोगली ने। और इसके आधार पर उन्होंने क्या दी थी, एक समीकरण दी थी। उन्होंने बताया था कि जो सूक्ष्म कण होते हैं वह क्या करते हैं, तरंग के रूप में गति करते हैं। डी बोगली ने बताया था कि जो सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वह क्या करते हैं, तरंग के रूप में गति करते हैं। तो जो इन तरंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है लेमडा, जो तरंग दैर्ध्य होती है जिसे हम लेमडा से डिनोट करते हैं, वो जो होता है वो क्या होता है, इनके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग की सूक्ष्म कणों की जो तरंग दैर्ध्य, तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है लेमडा, वो इनके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/p, और अगर हम इसकी ओर बात करें तो लेमडा प्रोपोर्शनल टू 1/mv, क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, मास इंटू वेग, ये होता है संवेग, ठीक है, mv। और जब इस प्रोपोर्शनल को साइन को हटाया जाता है तो लेमडा इज इक्वल टू होता है h/mv। अगर हम बात करें यहां पर h, तो h प्लैंक नियतांक है। h क्या है यहां पर, प्लैंक नियतांक है, जिसका मान 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये होता है जो मैंने आपको कई बार बता भी रखा है, ठीक है। तो डी बोगली समीकरण क्या है, डी बोगली समीकरण यही है, लेमडा इज इक्वल टू h/mv, लेमडा इज इक्वल टू h/mv, ये डी बोगली समीकरण है। तो डी बोगली ने क्या बताया, एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। डी बोगली ने बताया था कि जिस प्रकार प्रकाश का ड्यूअल नेचर होता है, उसी प्रकार जो सूक्ष्म कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इनमें भी द्वैत प्रकृति पाई जाती है, ये भी तरंग और कण दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। तो मतलब ये सूक्ष्म कण होते हैं वो तरंग की भांति गति करते हैं, और उनका जो तरंग दैर्ध्य होती है लेमडा, वो उनके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और जब व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है एच, जिसे हम बोलते हैं प्लैंक नियतांक है, ठीक है, जिसका मान ये होता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। तो ये बताया था डी बोगली ने। हमारा जो मेन टॉपिक है इसके अंदर है कि हमको ये समीकरण सिद्ध करनी है, समीकरण कैसे आती है कि लेमडा इक्वल टू h/mv कैसे आया है। तो अब मैं आपको वो समीकरण की व्युत्पत्ति बताने वाला हूं ना, तो आप इसको देखना पूरा, ओके। तो अब हम करते हैं डी बोगली समीकरण की व्युत्पत्ति। कि इसका व्युत्पन्न कैसे होता है, ये कैसे समीकरण आई। तो डी बोगली समीकरण की व्युत्पत्ति करने के लिए आपको पहले दो समीकरण पता होनी चाहिए जो ऑलरेडी आपको पता है।
एक समीकरण तो सबको पता है, पहली जो एक समीकरण है वो है आइंस्टीन की, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा या ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण। यदि आप जो बुक यूज करो, नोटबुक यूज करो, उसके ऊपर भी लिखी होगी। वो क्या होती है, E बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। ये होती है आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण या ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण। और एक होता है प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक की क्वांटम समीकरण। प्लैंक की जो क्वांटम समीकरण होती है वो होती है इजिकल टू एच म्यू। ये म्यू आवर्ती है ना, मैं यहां पर बाद में लिख दूंगा कि ये सब क्या है लास्ट में। आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण तो आपको पता है E बराबर एमसी स्क्वायर होता है, और प्लैंक का जो क्वांटम समीकरण होता है वो होता है इजिकल टू एच म्यू। मतलब जो क्वांटम समीकरण है, प्लैंक की क्वांटम समीकरण के अनुसार क्या है कि जब कोई विकर्ण गति करती है तो जो विकर्ण की जो एनर्जी होती है ई, वो इसकी आवर्ती की क्या होती है, समानुपाती होती है। ये इस तरह से होता है, तो इसकी विकर्ण की जो एनर्जी होती है वो इसकी आवर्ती के समानुपाती होती है। और जब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं एच प्लैंक नियतांक, ठीक है। तो ये होती है इजिकल टू एच वी, ठीक है। तो अब देखो आपके पास में दो समीकरण है, दोनों ये भी एनर्जी की है, ये भी एनर्जी की है, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं बाय वन एंड सेकेंड एम या एच म्यूजिकल टू एच म्यूजिकल टू एम सी स्क्वायर। ये म्यू म्यू आवर्ती है ना, एच म्यूजिकल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने एक समीकरण पढ़ रखी है, छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं, कि जो प्रकाश का जो वेग होता है सी, प्रकाश का जो वेग होता है सी, वो होता है सी इजिकल टू म्यू लेमडा। ये आपने पढ़ रखा है, जो प्रकाश की चाल होती है सी इजिकल टू होती है आवर्ती इंटू तरंग दैर्ध्य। तो यहां से आवर्ती इजिकल टू क्या हो जाएगी, म्यू इजिकल टू सी अपॉन लेमडा, सी अपॉन लेमडा। तो अब ये म्यू का मान है वो हम सेकेंड समीकरण इसमें रख देते हैं, इसको समीकरण नंबर तीन दे दो, म्यू का मान समीकरण तीन में रख देते हैं यहां पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो देखो एच म्यू, एच म्यू की जगह हम लिखेंगे सी अपॉन लैम्डा, और यहां पर एम सी स्क्वायर चल रहा है, एम सी स्क्वायर, ये सी से ये सी कट गया, ठीक है। और अब मैं लैम्डा को इधर पक्षांतरण कर रहा हूं, एमसी को इधर लाएंगे, तो लैम्डा इजिकल टू देखो एच अपॉन एम सी, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। और आप जानते हो क्योंकि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं, संवेग इक्वल टू होता है पी इक्वल टू, संवेग बराबर होता है वेग इंटू मास इंटू वेग, पी बराबर एम वी होता है। संवेग बराबर क्या होता है, गलत दीजिए संवेग को, संवेग इक्वल टू होता है P बराबर एम वी, मास इंटू वेग। अब यहां पर भी देखो, यहां पर मास है और सी क्या है, सी यहां पर प्रकाश का वेग है, तो एक तरह से ये भी वेग है और ये मास है, तो ये क्या हो गया, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, ठीक है। और हम इसे कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी। तो ये हमारे पास में डी ब्रोगली समीकरण आ गई है, लेमडा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन पी। और अगर हम यहां से लिखना चाहें तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वापिस सुनो क्या किया, आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर, ठीक है। प्लैंक का क्वांटम समीकरण आपको पता होता है कि जो विकर्ण की ऊर्जा होती है वो इसकी आवर्ती के समानुपाती होती है, समानुपाती होगी। फिर अगर इन समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक एच, जिसे प्लैंक नियतांक कहते हैं, ठीक है। ये समीकरण एक और दो दोनों देखो बराबर, यहां पर भी एनर्जी यहां पर भी एनर्जी, तो एच म्यू इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो सी बराबर। अब आपने टेंथ क्लास के अंदर पढ़ा होगा जो प्रकाश की चाल होती है सी, जिसे सी से डिनोट करते हैं, वो सी बराबर होती है म्यू लैम्डा, म्यू लैम्डा। तो यहां से म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन लैम्डा का मान हम यहां पर पुट कर देंगे, म्यू का मान पुट किया, और यहां से लैम्डा का मान निकालेंगे एच अपॉन एम सी, एम सी। तो एक तो ये आंसर आ गया कि लैम्डा प्रोपोर्शनल वन अपॉन, मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो गया वन अपॉन एम, ठीक है। और एमसी को हम क्या लिख सकते हैं, संवेग लिख सकते हैं, तो लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती हो गया
संवेग के हैं। तो ये दो समीकरण आ गई, ठीक है। मतलब यही है कि यही तो इसकी समीकरण है डी बोगली की, कि जो संवेग होता है, जो तरंग, जो कण की तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, वो संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो इससे प्रूफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिखी है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब कि जो लैम्डा है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है द्रव्यमान का। तो इससे आपको एक चीज पता चल गई होगी कि जितना ज्यादा, जितना कम एम होगा, जितना कम एम होगा उतना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा, जितना कम ये होगा उतना ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगा। लैम्डा जितना ज्यादा होगा द्रव्यमान उतना कम होगा, इससे यह पता चलता है। लैम्डा जितना ज्यादा होगा तरंग दैर्ध्य उतना, सॉरी मास जो होगा उतना ही कम होगा। मतलब कि जो डी ब्रोगली का समीकरण है ये सूक्ष्म कणों के लिए लागू होता है, सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन अगर कोई बड़ा कण है तो उनके लिए ये लागू नहीं होगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि लैम्डा का मान जितना ज्यादा होगा द्रव्यमान का मान उतना कम होगा, द्रव्यमान का मान जितना ज्यादा होगा लैम्डा का मान उतना ही कम होगा। एक दूसरे के ये उल्टे है कि एक का मान ज्यादा होगा दूसरा का मान कम होगा, ठीक है। तो यही आपके डी ब्रोगली की समीकरण। यहां पर देखो दो शब्द ज्यादा यूज हो रहे हैं, कण और तरंग, कण और तरंग यूज हो रहे हैं। तो कण और अगर तरंग के हम बात करेंगे, ये क्या होती है कण और तरंग है? तो अगर हम बात करते हैं कण, तो कण क्या होते हैं? जिनसे हम मिलकर बनाते हैं, विश्व के अंदर जो भी चीजें बनकर मिली हुई वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं भी एक कण हूं, ये भी कण है, ये भी कण है, ठीक है। तो कण का जो अगर हम बात करें ना, तो कण का एक फिक्स स्थान है कि इस जगह पर यही आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं एक कण हूँ, तो मेरे स्थान पर मैं खड़ा हूँ, मेरी जगह दूसरा कोई नहीं आ सकता। मतलब एक स्थान पर एक ही कण होता है और कण का स्थान क्या होता है? निश्चित होता है। बट जो तरंग होती है उनका स्थान निश्चित नहीं होता है। तरंगे कैसी? तरंगे तो अंतरिक्ष में फैली हुई है, हर कहीं फैली हुई है। अगर मैं आपको, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो तरंगों के कारण ही सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज इस रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड हो रही है और फिर आपके पास में आ रही है, तो तरंगों के कारण ही आ रही है। इसी प्रकार अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो उसके अंदर भी तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो तरंगे होती है और तरंगे की कोई फिक्स नहीं होती है। अगर एक तरंग ऐसे जा रही है तो दूसरी तरंग ऐसे आ सकती है। तो कण का तो स्थान निश्चित है कि अगर एक कण स्थित है तो उसकी जगह दूसरा कण नहीं आ सकता, लेकिन तरंगों में ऐसा नहीं होता है। तरंगों में तरंगे दोनों तरफ से आ सकती है, तरंगे कौन सा भी स्थान ले सकती है, ठीक है। तो यही था आपके डी ब्रोगली समीकरण कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, उनकी द्वैत प्रकृति होती है, तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, और जो उनकी तरंग दैर्ध्य होती है लैम्डा, वो उनके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो वापस देख लेना, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।